जी एक्सरसाइज 4.7। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप वो क्वेश्चंस नोट कर लें जो आपके स्मार्ट सिलेबस में है। एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, ठीक है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है इंक्लूडेड आपके सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, सिर्फ फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, सेकंड इंक्लूडेड नहीं है स्मार्ट सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 3 का भी फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 7 है, ये नोट कर लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, मैम एक बार ये दोबारा बता दें। मैंने आपसे कहा भी था ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग आपने मुझे मैसेज करना है, मैं आपके मैसेजेस भी साथ साथ देख रही हूँ, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, एक्सरसाइज 4.7, क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। 4 इंक्लूडेड नहीं है, 6 इंक्लूडेड नहीं है। बाकी मैं जब आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से पार्ट्स जो है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। एग्जाम्पल्स जो है वो आपने वैसे मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एग्जाम्पल्स जो है वो सारी करें, ठीक है। लेकिन अगर आप स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एग्जाम्पल्स करना चाहते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, पेज नंबर 165 पे। गॉट इट? एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 165। ओके, अब आपका टॉपिक क्या है एक्सरसाइज 4.7 का? नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स फाइंड किए थे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम लोगों ने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आते हैं, तो अब हमने उसकी नेचर पे बात करनी है। नेचर मींस के वो कैसे हैं रूट्स, रियल हैं, इमेजिनरी हैं, इक्वल हैं, अनइक्वल हैं, कैसे रूट्स हैं, इसको कहते हैं नेचर। तो इसके बारे में हमने डिस्कस करना है। एक तरीका तो ये है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरा सॉल्व करें और उसके रूट्स निकाल के बताएं कि जी ये इस तरह के रूट्स इसके निकले हैं। दूसरा मेथड क्या है कि आप जो है जस्ट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ये देखें, डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये b आपको पता है x का कोफिशियंट है, a आपको पता है x स्क्वायर का कोफिशियंट है और c कांस्टेंट है। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज होती है ये वो वाला आपने फाइंड करनी है। इसको फाइंड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके रूट्स कैसे हैं। अब इसका जो आंसर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तीन ऑप्शन है आपके पास। इसका आंसर क्या आ सकता है? इसका आंसर आ सकता है जीरो, लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो, ऐसा ही है ना। इसके अलावा तीसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ तो आएगा इज इक्वल टू जीरो या लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो, ये तीन केसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये आप जब आप लेक्चर लें तो आप ये देखा करें कि मेरा कर्सर कहाँ पे है, जहां पे कर्सर होता है वहां से ही मैं पढ़ रही होती हूँ, ठीक है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट केस वन क्या है? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। If it is equal to zero, so the roots are real and repeated equal. मतलब roots कैसे होंगे? Real होंगे और equal होंगे। सिर्फ ये दो चीजें ही आपने याद करनी है। अगर discriminant आपका is equal to zero है तो आपके roots कैसे होंगे? Real और
इक्वल. केस टू है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो. अगर वो लेस देन जीरो होगा यानी कोई आपका आंसर जो है नेगेटिव आ जाएगा तो फिर क्या होगा आपके रूट्स कैसे आएंगे इमेजिनरी एंड आपके रूट्स कैसे आएंगे इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट अनइक्वल. मतलब डिफरेंट रूट्स होंगे दो रूट्स होंगे और वो कैसे होंगे इमेजिनरी होंगे. चैट तो मुझे मैसेजेस नजर नहीं आ रहे आपके. चले मैं देखती हूँ इसको. ओके केस थ्री क्या है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो. अगर वो ग्रेटर देन जीरो यानी उसका पॉजिटिव आंसर आ जाए मतलब वन टू कुछ भी पॉजिटिव आंसर आ जाए तो फिर क्या होगा फिर उसके आपके रूट्स कैसे होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट. वर्ड होता है डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है अनइक्वल डिफरेंट यानी रूट्स आएंगे. ये ऑब्जेक्टिव के लिए चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दैट व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और तीन केसेस हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यहाँ तो इज इक्वल टू जीरो आएगा या लेस देन जीरो आएगा या ग्रेटर देन जीरो आएगा. अगर इज इक्वल टू जीरो है देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल. इफ लेस देन जीरो देन द रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट. दोनों वर्ड्स आपने याद रखने हैं डिस्टिंक्ट भी और अनइक्वल भी. कैसे रूट्स होंगे इमेजिनरी होंगे यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे रूट्स आपके और डिफरेंट भी होंगे. डिस्टिंक्ट अनइक्वल डिफरेंट ये सेम ही वर्ड है डिफरेंट इसका सेम मीनिंग है इन वर्ड्स का. ठीक है केस थ्री क्या है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो अगर आ जाता है तो आपके रूट्स कैसे होंगे आपके रूट्स होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट. अच्छा उसके बाद एक और चीज यहाँ पर एड कर देती हूँ मैं. However, if b square minus 4 is ac is a perfect square, then the roots will be rational. And if the b square minus 4 ac is not perfect square, then the roots will be irrational. ये चीज भी आपने याद रखनी है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए. ठीक है और अब चैट्स में मैसेज नहीं है ठीक हो गया. ये सारा कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए है. बाकी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो साथ साथ आपको समझ आता जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है. ऑलरेडी ये आई थिंक आप पहले भी कर चुके हैं तो इतने समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. क्वेश्चन नंबर वन एक्सरसाइज शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर वन उसका फर्स्ट पार्ट आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है इसलिए मैं सेकेंड पार्ट आपको करवाती हूँ. एक सेकेंड जी. क्वेश्चन नंबर वन का सेकेंड पार्ट है. इक्वेशन आपको गिवन है x square minus 5x plus 6 is equal to 0. और आपने क्या फाइंड करना है आपने चेक करना है. क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ बुक से. डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. क्या है डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. एक सेकेंड जी वो सॉरी मैसेज एक आ गया था. हाँ जी डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. क्वेश्चन नंबर वन उसका सेकंड पार्ट क्या है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो. आपने इस इक्वेशन के विदाउट फाइंडिंग द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आपने सिर्फ बताना है कि उनकी नेचर कैसी है. उसकी नेचर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले तो ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी. ए इज इक्वल टू वन हियर
b is equal to minus 5. And c is equal to 6. राइट, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 5, सी इज इक्वल टू, ये एक्स लिखा हुआ है गलती से, यहाँ पे सी आपने लिखना है, सी इज इक्वल टू 6. अब आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है. डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी. ये फॉर्मूला है, ये आपने याद कर लेना है और इसमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी है. बी की जगह पे माइनस 5 डाल दिया और ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे 6. वैल्यू फाइंड की, आंसर आपका क्या आया, 1. अब ये 1 जो है इट इज ग्रेटर देन 0. तो डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है जिसका आंसर अगर हम स्क्वायर रूट लें तो एक इंटीजर आए. लाइक परफेक्ट स्क्वायर है 1 है, 4 है, 9 है, 25 है. दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर हो आंसर तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल और अनइक्वल. ठीक है, मैंने पहले आपको बताया था कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स कैसे होंगे, रियल और अनइक्वल होंगे. ठीक है, अब रियल में भी दो कैटेगरीज हैं. रियल नंबर्स जो है उसमें क्या होते हैं, रियल नंबर्स आपके रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं. तो वो कैसे पता चलेगा कि रैशनल है या इरेशनल है, ये हमें इस आंसर से पता चलेगा. अगर ये आंसर आपका परफेक्ट स्क्वायर हुआ, यानी 1, 4, 25, 36 इस तरह से हुआ, तो फिर इसका आपने कहना है कि ये रैशनल है, अदरवाइज ये कैसा है, इरेशनल है. ठीक, नाउ थर्ड पार्ट डू योर सेल्फ. ठीक है, आप इजिली खुद सॉल्व कर सकते हैं. सेम इन्हीं लाइन्स में आपने सॉल्व करना है. देख लेना डिस्क्रिमिनेंट कैसा आता है, उस तरह से आपने रूट्स के बारे में बता देना है कि आपके रूट्स जो है वो कैसे हैं. फोर्थ पार्ट है 25x² - 30x + 9 = 0. हियर ए इज इक्वल टू 25, बी इज इक्वल टू -30 एंड सी इज इक्वल टू 9. डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी. जस्ट बी की जगह पे उसकी वैल्यू डाल दो, माइनस 30 का स्क्वायर. ठीक है, माइनस 4, 25, 9 और वैल्यूज पुट की और आंसर आपका क्या आ गया, 0. द रूट्स आर रियल एंड इक्वल. तीन केसेस बताए थे ना कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे. रूट्स कैसे होंगे, रियल और इक्वल होंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आपका अच्छा, मुझे मैसेज आपका मिला है, मैम ने 4.6 का क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करवाया. अच्छा, मिस हो गया होगा, मैं आपको करवा दूंगी, व्हाट्सएप के थ्रू उसको सॉल्व करके भेज दूंगी. अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक हो गया, ऑनलाइन लेक्चर में जो है उसको एक्सप्लेन कर दूंगी. मुझे लगा था आपसे हो जाएगा सॉल्व, आपके लिए छोड़ दिया था मैंने. ठीक है, सेकेंड पार्ट भी हो गया, थर्ड आपने खुद करना है, फोर्थ भी करवा दिया. इज इक्वल, डिस्क्रिमिनेंट आपका आ गया इज इक्वल टू 0. इट मीन्स आपके रूट्स कैसे हैं, रैशनल एंड इक्वल. ये रियल एंड इक्वल भी लिखा जा सकता है, रैशनल और इक्वल भी लिखा जा सकता है. क्लियर है. अब क्वेश्चन नंबर 2 का हमने सिर्फ फर्स्ट पार्ट करना है. और ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बुक से मैं पढ़ रही हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ. Show that the roots of the following equations will be real.
रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विल बी रियल. ये आपने शो करना है कि आपके जो रूट्स हैं वो रियल हैं. यानी डिस्क्रिमिनेंट आपका कैसा आना चाहिए, लेस देन जीरो नहीं आना चाहिए, या तो ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए या इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए. तो ये शो करने के लिए ये इक्वेशन आपको गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एम प्लस वन ओवर एम एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो. अब इसको सॉल्व करेंगे. यहां पर आ जाए, हेयर ए इज इक्वल टू वन, ए वन है, बी ये जो एम वाली वैल्यू है ये सारी एज इट इज लिखती. अच्छा ध्यान से आपने लिखना है, टू अगर उसके साथ है तो आपने टू या जो भी कॉन्स्टेंट वैल्यू उसके साथ है, पूरे का पूरा बी जो है वो एक्स का कोफिशियंट होता है, वो सारा यहां पर लिखना है. ठीक हो गया. A is equal to 1 आ गया, B is equal to minus 2, M plus 1 over M, C is equal to 3 आ गया, discriminant is equal to B square minus 4AC, और values put की हैं. अब यहाँ पर इसमें और पिछले questions में क्या difference है, इसमें और पिछले questions में सिर्फ ये difference है कि आपका जो है वो constant या real numbers की बजाय M की form में आपके पास given है, और कोई फर्क नहीं है. लेकिन इसको m को आपको डील करना आता है, m a प्लस बी का स्क्वायर. सिंपल जैसे स्क्वायर खोलते हैं ना वैसे आपने इसको ओपन करना है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab. यहां पर आना था m इंटू वन ओवर m और वो कैंसिल हो गया इसलिए यहाँ पर 2 आ गया, और ये जो 4 इंटू 3 है वो 12 आ गया. ठीक है, इसको थोड़ा सा 4 को कॉमन ले लिया. क्यों लिया ये अब आपको भी बताती हूँ कि 4 को कॉमन क्यों लिया. ये देखें ये अब आपके पास अंदर क्या आ गया, m square plus 1 over m square plus 2 minus 3. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा है, माइनस वन आ गया. अब हमने क्या करना है, ये शो करना है कि ये ग्रेटर देन जीरो होगा. तो ग्रेटर देन जीरो कैसे पता चलेगा, अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो ही होगा ना, या तो इज इक्वल टू जीरो होगा, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, या ग्रेटर देन जीरो होगा. तो हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है. परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमने एक वन जो है वो खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये चीज आपकी बन गई एम स्क्वायर प्लस वन ओवर एम स्क्वायर माइनस टू. तो ये आपका जो है एम माइनस वन ओवर एम का होल स्क्वायर बन गया. ये भी एक पॉजिटिव चीज, वन भी पॉजिटिव, फोर भी पॉजिटिव, अगर सारे पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो जाहिर बात है आपका आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा, तो ये ग्रेटर देन जीरो आएगा, हेंस रूट्स आर रियल. हेंस रूट्स आर रियल. ठीक है, सिर्फ यही शो करना था इस क्वेश्चन में. उसके बाद इसका सेकंड पार्ट आपने नहीं करना, आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करना है हमने. पहले क्वेश्चन नंबर 3 तक तो जाएं हम. जी, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ देती हूँ बुक से. क्या है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विल बी रैशनल. सिर्फ यही क्वेश्चन करवाना है मैंने आज, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, और आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसकी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, और आपने शो क्या करना है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विल बी रैशनल. रैशनल कब होते हैं, जब इसका आंसर एक परफेक्ट स्क्वायर आए. ऐसा ही है ना, जब डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो फिर ही आपके रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे. तो चेक करते हैं इस इक्वेशन के रूट्स रैशनल हैं या नहीं है. इक्वेशन गिवन है, ये देखें, p प्लस क्यू एक्स का स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो. अब x सिर्फ जो है वो p के साथ है, ये वाली चीज कॉन्स्टेंट है और x स्क्वायर का कोफिशियंट है p प्लस क्यू. तो ध्यान से आपने a b और c की वैल्यू लिख लेनी है. यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, उसकी जगह पे वैल्यूज पुट करें, वैल्यूज पुट करके उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, और यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि आपका ये जो आंसर है एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो ये देखो, ये तो खुद ब खुद ही परफेक्ट स्क्वायर बन गया, पी का स्क्वायर प्लस फोर क्यू स्क्वायर और ये दरमियान में प्लस फोर पी क्यू, ये बन नहीं गया इसका स्क्वायर पी प्लस टू क्यू का स्क्वायर. ओपन करके बेशक इसको देख लेना, यही आंसर आता है. सो द रूट्स आर रैशनल, यही हमने प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया.
क्लियर हो गया आज के लेक्चर के लिए इतना ही. डेफिनेशंस, डिस्क्रिमिनेंट किसको कहते हैं, केस वन, केस टू, केस थ्री, और केस थ्री के भी जो आगे दो पार्ट्स हैं कि परफेक्ट स्क्वायर हो डिस्क्रिमिनेंट तो कैसा होता है, रूट्स कैसे होते हैं, अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स कैसे होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत अच्छी तरह से याद करना है. बाकी सिर्फ चार क्वेश्चंस, पांच क्वेश्चंस टोटल मैंने करवाए हैं आज के लेक्चर में, वो आपने चार मैंने करवाए हैं, एक आपके लिए छोड़ दिया. ठीक, पूरी बात बता देती हूँ. ठीक हो गया. तो पांच क्वेश्चंस जो है आपने अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और फिर वो सबमिट करवाएंगे एंड ऑल दैट. ठीक है, ओके जी.